हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब सेंटर के फिर से एक नए एक्साइटेड वीडियो में। इस वीडियो में बताऊंगा कि बीएसएफ ट्रेसमेंट ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, उससे पहले जरूरी बात आपके लिए, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे इस चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और सामने एक बेल आइकन आ गया, तो बेल आइकन को प्रेस कर दोस्तों यस को सिलेक्ट कर लीजिए। ऐसे क्या होगा, जितने भी सारी मैं भर्ती लाता हूँ दोस्तों, आप अपडेट सबसे पहले यूट्यूब पर पास कर लीजिए। ये जो भर्ती है दोस्तों, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ रिक्रूटमेंट 2020 है दोस्तों, और ये जो भर्ती है 2021 में ये रिक्रूटमेंट होने वाली है। अगर इसकी हम बात करें तो ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू होगा, नोटिफिकेशन सब कुछ बताऊंगा। उससे पहले कुछ बातों की जानकारी देना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं दोस्तों, अभी तक तो सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और सामने एक बेल आइकन आ गया, तो बेल आइकन प्रेस कर ऑल को शेयर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे एक्साइटेड वीडियो और गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब से रिलेटेड वीडियो में आपके लिए लाता रहता हूँ हर दिन दोस्तों। इस अगर भर्ती की बात करें तो पोस्ट नेम की बीएसएफ भर्ती है दोस्तों, पद के नाम है कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, एएसआई भर्ती है दोस्तों। अगर बहु करने पर की बात करें तो ऑल इंडिया के सभी कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की बात करें तो दोस्तों, ऑल ओवर जॉब इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। बीएसएफ रिक्रूटमेंट पे सैलरी की बात करें तो दोस्तों, 21,700 रुपये से लेकर दोस्तों 69,100 रुपये इसमें आपको सैलरी दिया जाएगा दोस्तों। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी दोस्तों। एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों, 18 साल से लेकर 32 ईयर यानी 32 ईयर्स की युवा इसमें अप्लाई कर सकते। एज की बात करें तो 1 जनवरी 2020 से आपकी 18 साल पूरा होना चाहिए। एज रिलेक्सेशन की अगर हम बात करेंगे तो SC ST OBC कैंडिडेट के लिए इसमें रखी गई है रिलेक्सेशन दोस्तों, SC ST के लिए 5 साल की रिलेक्सेशन और OBC कैंडिडेट के लिए 3 ईयर की रिलेक्सेशन रखी गई है दोस्तों। अगर बात करें तो BSF ट्रेड्स में ऑनलाइन फॉर्म की बात कैसे करें तो ये भी फॉर्म 2021 में भी स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। अगर इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें तो इसमें आपको हाइट होना चाहिए दोस्तों, 170 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होना अनिवार्य है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। पर द नॉर्थ ईस्टर्न कैंडिडेट के लिए मेल कैंडिडेट के 165 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट होना अनिवार्य है। चेस्ट की अगर बात करें तो दोस्तों, 80 सेंटीमीटर से लेकर 85 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होना चाहिए दोस्तों। अगर बात करें जिसमें कौन कौन सी एप्लीकेशन फॉर्म लगाते हैं, इसमें आपकी फ़ोटो एंड सिग्नेचर लगाए दोस्तों, एजुकेशन सर्टिफिकेट 12वीं पास सर्टिफिकेट लगा है इसमें, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पास सर्टिफिकेट, पैन कार्ड इसमें सर्टिफिकेट लग रहा है दोस्तों। इसमें अगर बात करें तो इलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो दोस्तों, रिटर्न नहीं जाना होगा दोस्तों, उसके बाद PAT PST इसके बाद मेडिकल होगा दोस्तों। तो इसके बाद बात करें तो कॉन्स्टेबल ट्रेसमेंट के लिए कैंडिडेट का आपके पास दोस्तों बोर्ड की डिप्लोमा रिलेटेड आपकी जो होना चाहिए दोस्तों सर्टिफिकेट, उसके बाद SI के इलेक्ट्रिशियन के लिए आपको 3 ईयर की डिप्लोमा कोर्स इंजीनियरिंग करना अनिवार्य है दोस्तों। उसके बाद ASI में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए कैंडिडेट को 3 ईयर की डिप्लोमा कोर्स क्या होना चाहिए, कोई भी यूनिवर्सिटी से दोस्तों। तो अगर आप ASI में अप्लाई करना चाहते हैं, ड्राफ्टमैन, हेड कांस्टेबल, प्लम्बर, हेड कांस्टेबल, कारपेंटर, मेसन, स्वीपरमैन, ये सब पोस्ट के अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास दोस्तों हाईस्कूल यानी कि 10वीं का पास कैंडिडेट ASI में अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, और ITI वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और तो यही थी जानकारी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कम से कम इस